Hey guys, what's up? How are you? I hope you are doing well there. And I know that you miss me and I miss you a lot. Welcome to my YouTube channel E4English. Friends, today I have brought a new lesson for you. Again, I have brought 5 idioms for you, which are very useful. So without any delay, let's start the lesson. Friends, our first idiom is the apple of the sky. It means when we fight with someone for anything. यानी कि जब हम किसी चीज़ की वजह से किसी से झगड़ा करते हैं उसके रीज़न को हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो दो कैट्स हैं आपस में मिल्क के लिए फाइट कर रही हैं, तो मिल्क इनके लिए क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी लड़ाई की जड़। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज द एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन देम। यानी कि दो लोग जो आपस में प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी इनके झगड़े की जड़। और ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। व्हाई आर नॉट द टू ऑफ देम टॉकिंग टू ईच अदर, व्हाट इज एप्पल ऑफ डिस्कार्ड देयर। यानी कि ये दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी जो लड़ाई की जो जड़ है, जो रीज़न है, वो क्या है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड ईडियम है वो है ब्रेक द आइस। यानी जब हम कन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस। अब यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सब साइलेंट थे, लेकिन इनकी मीटिंग में जो एक मेंबर है वो ब्रेक द आइस कर रहे हैं, यानी कि वो मीटिंग को जो कन्वर्जेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेक द आइस। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Yesterday everyone was silent in the meeting, but suddenly I broke the ice. यानी कि कल जब मीटिंग में सब साइलेंट थे, चुप थे, तब मैंने ब्रोक द आइस किया, यानी कि मैंने कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। अब मैंने यहाँ पर ब्रेक की जगह ब्रोक यूज़ किया है, क्योंकि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, और जो ब्रेक की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो ब्रोक होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रोकन होती है, तो यहाँ पर हम ब्रोक का यूज़ करेंगे। और ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, प्लीज़ लेट मी ब्रेक द आइस, यानी कि प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, मुझे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने दीजिए। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, प्लीज़ लेट मी ब्रेक द आइस। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड इडियम है वो है बेल द कैट, यानी कि खतरे की घंटी। यानी किसी भी रिस्क और डेंजर को जब हम अपने शोल्डर पे ले लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बेल द कैट। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी भी है। क्या होता है कि एक कैट जो सभी रेट्स को किल करती है और वन बाय वन उन्हें खा जाती है, तभी ये सब रैट्स एक प्लानिंग करते हैं और ये एक बैल लेकर आते हैं कैट के गले में टांगने के लिए, ताकि अगर कैट उनके आसपास हो तो उन्हें पता चल जाए। तभी इतना बड़ा जो रिस्क है वो उन अपने ग्रुप के एक मेंबर को दे देते हैं। तो ये जो ग्रुप का मेंबर है ये बेल द कैट कर रहा है, यानी पूरा रिस्क डेंजर इसने अपने ऊपर ले लिया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वी सेल इट टू आर सोल्जर्स एज दे ऑलवेज बेल द कैट टू सेव अस। यानी कि हम अपने सोल्जर्स को सैल्यूट करते हैं क्योंकि वो हमेशा बेल द कैट करता है, यानी कि जितना भी रिस्क होता है, जितना भी डेंजर होता है, वो अपने शोल्डर पे ले लेते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। और यहाँ पर मैंने बिकॉज की जगह एज यूज़ किया है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और एज के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, हु विल बेल द कैट टू किल द लाइन, यानी कि लाइन को मारने के लिए इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ इडियम है वो है डॉग इन द मैंगर। यानी जब हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं और हम किसी और को भी यूज़ करने नहीं देते, उसको हम बोलते हैं डॉग इन द मैंगर, यानी हम खुद भी बेनिफिट नहीं लेते और दूसरों को भी बेनिफिट नहीं लेने देते। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डॉग है जो ग्रास के ऊपर खड़ा हुआ है, और जो एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं ये उनको खाने नहीं दे रहा है। यानी कि ये है कि ये बार्किंग कर रहा है, बहुत ज़ोर से भौंक रहा है, यानी कि आप खुद तो खा नहीं सकता, यानी कि खुद भी बेनिफिट नहीं ले सकता और दूसरों को भी उसका बेनिफिट लेने नहीं दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डॉग इन द मैंगर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉप बींग सच अ डॉग इन द मैंगर एंड ले मी यूज़ योर कंप्यूटर। यानी कि आप उस डॉग की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जो खुद भी बेनिफिट नहीं लेता और दूसरों को भी लेने नहीं देता,
आप मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने दें। हम इंडियन इस वर्ड को लेट मी करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको इसे ब्रिटिश या अमेरिकन में प्रनाउंस करना है तो आपको इसको लेमी करके प्रनाउंस करना पड़ेगा। और ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, वाई बी आर डॉग इन द मैंगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस टिकट्स लेट अस यूज़ इट। यानी कि आप खुद तो इन टिकट्स का यूज़ कर नहीं रहे हो, खुद तो बेनिफिट ले नहीं रहे हो, हमें इन टिकट्स को यूज़ करने थे और हमें बेनिफिट लेने थे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, हमारा जो फिफ्थ ईडियम है वो है एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड हम तब यूज़ करते हैं जैसे या तो कोई इंसान अपनी जो सेल्फिशनेस दिखाता है या फिर वो बहुत ही चापलूस होता है, उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो माइकल हैं, ये जो एक्स होती है उसको शार्प करने का ये यहाँ पर काम करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, इनके एक फ्रेंड है जॉर्डन, इनके पास आते हैं और इनकी बहुत ही मतलब फेक एडमायर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ करते हैं, आपकी मशीन इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे से काम करते हैं, इनको मतलब बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। ये इतने खुश हो जाते हैं कि उनसे पैसे भी नहीं लेते और उनके जो एक्स होती है उसको ग्रैंड कर देते हैं, यानी कि घिस देते हैं। लेकिन माइकल को बाद में एहसास होता है कि वो ये जितनी भी फेक एडमायरिंग कर रहे थे ये सब अपने वो बेनिफिट के लिए कर रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं एनेक्स टू ग्राइंड। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज डेट बैट्समैन हु प्लेड विद वेरी लो स्ट्राइक रेट समवेयर सीम डेट ही हैड एनेक्स टू ग्राइंड। यानी कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्स क्रिकेटर होते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, वो अपनी राय देते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर जब वो चले जाते हैं और जब इंडियन क्रिकेट टीम का किसी भी टीम के साथ मैच होता है तो वो अपनी व्यूज़ सामने रखते हैं। तो उन्होंने उस बैट्समैन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जो बहुत ही लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा सीम डैट ही हैड नेक्स्ट टू ग्राइंड, यानी कि वो सिर्फ अपने लिए बैटिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं उस बैट्समैन ने सेल्फिशनेस दिखाई। इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू ग्राइंड। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द वन हु हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड नेवर गेट सक्सेस। यानी कि वो इंसान जो बहुत ही सेल्फिशनेस होता है या फिर बहुत ही चापलूस होता है, उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिलती। यानी कि सक्सेस वैसे तो मिल जाती है, लेकिन जो रेस्पेक्टफुल सक्सेस होती है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं या कोई हमारे बारे में सोचता है, तो वो रेस्पेक्टफुल चीज़ें माइंड में नहीं आती हैं। सो फ्रेंड्स, हाउ यू फाउंड दिस लेसन प्लीज टेल मी इन कॉमेंट बॉक्स एंड गिव योर फीडबैक। As well as you could follow me on Instagram and don't forget to subscribe my channel. Next time I will bring a new lesson for you. Till then, be happy, be relaxed and catch you later.